चिल्ड्रन वी वर डूइंग फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था. वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बट बिफोर स्टार्टिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम न्यू वर्ड्स करेंगे. ओके, सबसे पहला न्यू वर्ड क्या है? पार्लियामेंट. अ हाउस इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल इलेक्शन फॉर्मुलेट लॉज. फॉर्मुलेट का मतलब वो बनाते हैं वहाँ पे लॉज. सो एक हाउस जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किसने करा होता है? पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, ऑफ जनरल इलेक्शन फॉर्मुलेट लॉज. तो पार्लियामेंट एक वो हाउस है जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनरल ऑफ द जनरल इलेक्शन, मतलब जनरल इलेक्शन से जो इलेक्ट करे गए रिप्रेजेंटेटिव वो लॉज बनाते हैं. स्टेट असेंबली एंड असेंबली लोकेटेड इन अ स्टेट. जो असेंबली स्टेट के अंदर लोकेटेड है लेजिस्लेचर की, उसको बनाते हैं स्टेट असेंबली. वॉट इज अ फ्रेंचाइज? लीगल राइट टू वोट इन एन इलेक्शन ऑफ अ कंट्री. जो लीगल राइट है वोट करने का इलेक्शंस में एक कंट्री के अंदर, उसको बोला जाता है फ्रेंचाइज. नाउ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? जो एक रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं ए पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको बुलाते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. कि अगर मान लो हमें सिर्फ एक डिसीजन बनाना है, ठीक है, मैं क्लास में हूँ एंड मेरे को एक डिसीजन चाहिए, कुछ 75% लोग क्या कहते हैं कि ये काम होना चाहिए और 25% मना कर देते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए. तो मेजॉरिटी किसकी हुई? 75% लोगों की. ठीक है, अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तब होगी जब सिर्फ 60% रिक्वायर्ड हो मेरे को एक डिसीजन लेना है. अगर 60% हाँ या ना में जवाब देते हैं, जिन्होंने भी वो चीज़ बोली होगी मैं उनके साथ जाऊंगी, वही डिसीजन माना जाएगा. पर यहाँ पे तो 75% लोगों ने हाँ कह दी, तो ये हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की. कुछ चाहिए तो 60% ही थी, पर हमें मिल कितने वोट यस में मिलने हैं? 75%. तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्योंकि वो मोर देन रिक्वायर्ड नंबर है मेंबर. ओके, अब अगर हम इधर देखें, दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. यहाँ पे देखें तो मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. अब रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा मेंबर्स हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? अ पार्टी हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको बोला जाएगा सिंपल मेजॉरिटी. ओके, नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी. एन एरिया फॉर विच द इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड. एक एरिया जहाँ पे इलेक्शन हेल्ड होगा उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी. नाउ वी हैव डन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स न्यू वर्ड्स. एंड आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं इसमें. ठीक है, आप कीवर्ड्स में मिस आउट नहीं कर सकते हो. लाइक इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, सिंपल मेजॉरिटी में क्या की वर्ड है? दैट इट अ पार्टी हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. आप इलेक्टेड वर्ड पे आप छोड़ नहीं सकते, आप इसको खा नहीं सकते हो. अगर आप पूरी डेफिनेशन लिखोगे तो आपको उसके की पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे. ओके, सो आपको ये न्यू वर्ड्स बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, मतलब बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे. क्योंकि आगे जब ये टर्म्स आएंगे चैप्टर में, तब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी. मैं चाहूँगी कि आपको पहले से पता हो कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है. नाउ कमिंग टू इलेक्शन मैनिफेस्टो. अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ पार्टी बिफोर एन इलेक्शन विच कंटेन्स द पार्टीज पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन फ्यूचर.
तो इलेक्शन मैनिफेस्टो किसको बोलते हैं? एक डॉक्यूमेंट जो एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है इलेक्शन से पहले, जिसमें सारी पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लिखे होते हैं फ्यूचर के लिए, उसको बोला जाता है इलेक्शन मैनिफेस्टो। एक बार फिर से हम इलेक्शन मैनिफेस्टो करते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है इलेक्शन से पहले, जिसमें उसकी सारी पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लिखे होते हैं फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। रिटर्निंग ऑफिसर, मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब पता है कि हमें, कि जिस एरिया में इलेक्शन हेल्ड होगा उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो रिटर्न ऑफिसर कौन है? जो ऑफिशियल, जो मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है उसको अच्छे से कंडक्ट कराया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, उसको बोला जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। मिड टर्म इलेक्शन, इलेक्शन हेल्ड बिफोर कंप्लीशन द कंप्लीटिंग द फुल 5 years टर्म। अब हमें पता है कि 5 साल की ड्यूरेशन होती है, 5 साल बाद फिर इलेक्शन हेल्ड होते हैं, बट अगर बीच में या 5 year टर्म से पहले इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शन। इलेक्शंस हेल्ड बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ फुल 5 year टर्म्स आर नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस। And if you have any doubt, चाहे वो पहली वाली वीडियो में हो चाहे वो इस वाली वीडियो में हो, you are free to ask, okay? और अगर आपको किसी पहले चैप्टर में भी डाउट हो तो you are free to ask, okay?